अनदर क्वेश्चन देखते हैं इसको। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 फॉर पाक ओशन लिमिटेड। पाक ओशन लिमिटेड के लिए हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो बनानी है। रिक्वायरमेंट देख मतलब लग गई, कहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पाक ओशन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। ईयर एंड कौन सा है? 31 दिसंबर 2018 है जिसके लिए उसने हमें ये गिवन की है। ओके, शेयर होल्डर इक्विटी एज एट 1 जनवरी 2018 वॉज एज फॉलो। जो उसने हमें इक्विटी गिवन की थी वो कुछ इस तरह से थी। ओपनिंग शेयर कैपिटल हमारा 200 मिलियन का था और 100 रुपये का एक शेयर था, तो आप 200 मिलियन को 100 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। रिमेंबर, शेयर कैपिटल जो है इसको अगर आप जो भी उसकी पावर वैल्यू पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं आ जाएंगे, कितने शेयर्स आपने इशू किए हुए थे। ओके, रिटेन अर्निंग है 45 की, डन। उसके बाद वो कहता है कैश डिविडेंड। अब ये चीज़ों को हाईलाइट करना सीखें। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कैश डिविडेंड की। वो कितने पे दिया? 18% पे दिया है ईयर एंडिंग 2017 का, मतलब ये लास्ट ईयर का है। ये किसका है? ये डिविडेंड का ताल्लुक है लास्ट ईयर के साथ, पिछले साल का फाइनल डिविडेंड। लास्ट ईयर का ये कौन सा है? हमारा फाइनल डिविडेंड है जो इस साल हम पे कर रहे हैं, जो हम इस साल क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं मार्च में। अच्छा, डेट्स बड़ी रेलेवेंट है, ये डेट्स आपको पता होनी चाहिए। पहले इवेंट कौन सा हुआ है, बाद में इवेंट कौन सा हुआ है। कैश डिविडेंड डन। उसके बाद बोनस इशू डिक्लेयर हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2018, इस साल का बोनस। इंटरम है 10%, इंटरम है हाफ ईयरली, तो जब हमारा साल का एग्जैक्ट एंड मिड होगा, मतलब 1 जुलाई को, हम क्या कर रहे होंगे? इंटरम डिविडेंड जो है वो अपना पे कर रहे होंगे। फिर हमने पे किया फाइनल डिविडेंड, ये कितना था? 25% था। ओके, ये तो अगले साल जाएगा, इसका तो इस साल ट्रीटमेंट नहीं होगा। ऑन 30 नवंबर 2018 ये जो कंपनी थी पाक ओशन लिमिटेड इश्यूड 25% राइट शेयर्स, उसने 25% राइट शेयर्स दे दिए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को एट ₹120 पर शेयर। कितने के ऊपर? ₹120 के ऊपर उसने इशू कर दिए, डन। तो उसने हमें बताया है कि इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 78 मिलियन था, उसका रिवैल्यूएशन गेन जो है सरप्लस वो उसका 12 मिलियन का था, और जो इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन है इसने हमें वो भी गिवन की हुई है। तो दिस वॉज द क्वेश्चन जो उसने हमें क्या किया है, प्रोवाइड किया है। इससे दफ़ा रीड आउट कर लें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। सवाल को समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखें, सवाल में कोई मसला तो नहीं? अगर सवाल में कोई मसला नहीं है फिर हम इसे क्या करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये है जी पाक ओशन लिमिटेड, हम ले लेते हैं पाक ओशन लिमिटेड। हमने इसकी बनानी है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, तो हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, डन हो गया। अब जो उसने हमें बताया है वो हम ले लेंगे। तो हमारे पास उसने बताया था शेयर कैपिटल, फिर उसने हमें गिवन किया है सवाल के अंदर ही शेयर प्रीमियम भी गिवन की है।
उसके बाद हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स भी गिवन है, उसके बाद है हमारे पास रिवैल्यूएशन, सरप्लस, और एंड पे हमारे पास आएगा टोटल। तो ये उसने हमें सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया है जो हम लेके चलेंगे। अब ओपनिंग की बात करें तो शेयर कैपिटल 200 मिलियन का। अच्छा, रुपीज़ इन मिलियन में, फिर मैं भी लिखना भूल रहा हूँ बार बार, आप लोगों ने नहीं भूलना, आपने हमेशा यहाँ पे जिस करेंसी में लेके चल रहे हैं वो लिखना है। तो रुपीज़ इन मिलियन, इसको आपने यहाँ पे हमेशा नोट डाउन करना है। इसकी बात हो रही है रुपीज़ इन मिलियन की बात हो रही है। आगे चलते हैं, शेयर कैपिटल 200 मिलियन का है और रिटेन अर्निंग 45 मिलियन की है, तो हम लिख लेते हैं जी बैलेंस जो है हमारा वो कितना बन रहा है, वो लिख लेते हैं बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2028। शेयर कैपिटल 200, रिटेन्ड अर्निंग 45, हम टोटल की फिगर भी साथ लिख ही जाते हैं, बिकॉज टोटल से पहले हम भूल जाएं, हम यहाँ पे चीज़ों को लिखते जाते हैं। डन। अब हम चलेंगे इवेंट बाय इवेंट, इवेंट बाय इवेंट चलना है। रिमेंबर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के क्वेश्चन को आपने डेट वाइज लेके चलना है कि सबसे पहले इवेंट कौन सा हो रहा है वो देखना है हमने। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ रहा है कैश डिविडेंड, जो उसने 18% पे किया था वो लेना है हमने। तो 18% जो है वो हमने कैश डिविडेंड ले लेना है, फाइनल डिविडेंड हम यहाँ पे लिख लेंगे फाइनल डिविडेंड ट्वेंटी सेवनटीन का और एट 18% है। अब शेयर कैपिटल क्या बता लें, 18% कितना बनता है, 200 का 18% लें कितना बनेगा, 36। तो 36 पे यहाँ पे आ गया, ये हमने इधर लिख लिया। डन, ये तो हमारा डन हो गया। अब सेकंड है यहाँ पे कि इंटरिम बोनस डिविडेंड जो है वो दिया जा रहा है। अब इंटरिम बोनस डिविडेंड ये आ रहा है साल के मिड में, तो जो हम इंटरिम बोनस दे रहे हैं वो साल के मिड में आएगा, उसको साल के मिड में हम लेके चलते हैं। इधर आ गया जी मेरे पास इंटरिम बोनस 10%। अब बोनस शेयर्स 10% दे दिए हैं, अब इससे क्या होगा, हमारा जो शेयर कैपिटल है वो क्रेडिट होगा और वो हमारा क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। तो 10% है तो 200 का 10% लेंगे क्या आ जाएगा 20, तो 20 मिलियन से मेरा शेयर कैपिटल डेबिट हो गया, और चूंकि रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज होने चाहिए तो मैं 20 मिलियन किसको चार्ज कर दूंगा, मैं रिटेन्ड अर्निंग को ही चार्ज कर दूंगा। तो वो जो एंट्री हम पढ़ के आए थे वो हमारी इस तरह से यहाँ पे पूरी हो रही होती है। इज दैट क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं, ये है फाइनल डिविडेंड, ये इस साल का फाइनल डिविडेंड है, इसका ट्रीटमेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर में होगा, तो ये तो इग्नोर हो। उसके बाद ये बोला चूंकि इस साल से रिलेट कर रहा है, इसको हम देखते हैं। कहता जी ऑन 30 नवंबर 2018 पाक ओशन लिमिटेड इश्यू 25% राइट शेयर्स टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अब जो भी शेयर कैपिटल है उस दिन, तो उस दिन हमारा शेयर कैपिटल 220 मिलियन है, ये देखें ये है 220 मिलियन।
220 मिलियन हमारा शेयर कैपिटल है, इसका 25% लें, कितना बनता है जरा बताएं। फिफ्टी फाइव, तो इतने मिलियन से मेरा शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। अब ये है, इसको हमने लेके चलना है। अब इसको समझिएगा, यहाँ पे हमारे पास शेयर कैपिटल गिवन है और हम 120 का इशू करें, हमें शेयर प्रीमियम की अमाउंट भी निकालनी है। अब एंट्री हमारे पास क्या होती है? बेसिकली एंट्री हमारे पास होती है बैंक डेबिट, और जो मेरा शेयर कैप है वो क्या होता है? क्रेडिट। अब मुझे पता है कि मेरा शेयर कैपिटल जो है वो 55 मिलियन से क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। ऐसे ही है? द आंसर इज रॉन्ग, ऐसे नहीं है। हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि भाई हमने अमाउंट बनती कितनी है। अब देखिए, मेरा शेयर कैपिटल जो है वो टोटल है 220 मिलियन का। मेरे पास एक शेयर है 100 का, मैं इसको डिवाइड करूं, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे जरा बताएं? 2.2 मिलियन। 2.2 मिलियन मेरे पास शेयर्स मौजूद हैं। इसका 25% जो है मैंने क्या करना है? मैंने एज अ राइट इशू दिया, तो 2.2 का 25% कितना बनता है जरा बताएं? पॉइंट फाइव फाइव, 0.55 मिलियन जो है ये मैंने शेयर्स इशू किए हैं। दीज आर द नंबर ऑफ शेयर्स जो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इशू कर रहा हूँ, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं। इस 0.55 को अब मैंने यहाँ पे एंट्री पे पास करना है, तो देखते हैं ज़रा। अब 0.55 है ना, तो इस 0.55 को मुझे पता है मैं शेयर कितने का इशू कर रहा हूँ, 120 का। तो 0.55 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 0.55 × 120, तो 66 मिलियन से तो मेरा बैंक जो है वो डेबिट होगा। अब शेयर कैपिटल होता है हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट, फेस वैल्यू 100 की है, तो शेयर कैपिटल मेरा क्रेडिट होगा 55 से, और जो ये डिफरेंशियल अमाउंट आ रही है ये कहाँ चली जाएगी? शेयर प्रीमियम में चली जाएगी, तो ये इसकी एंट्री जो है वो पास करेंगे। तो ये देखें, इससे हमारा बैंक डेबिट हो गया। कैपिटल की बात करूं तो 0.55 शेयर से 100 के हिसाब से ये भी मेरा हो गया, और जो रिमेनिंग अमाउंट थी, जो डिफरेंशियल है, वो मेरा शेयर प्रीमियम को चार्ज हो गया। अब मुझे पता है शेयर कैपिटल मेरा 55 से बढ़ेगा और शेयर प्रीमियम मेरा 11 से बढ़ रहा होगा, तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा राइट इशू जो मैंने किया है। राइट इशू किसके ऊपर हुआ था? 25% पे। शेयर कैपिटल 55 से बढ़ गया और शेयर प्रीमियम जो है मेरा 11 से इंक्रीज हो गया, तो ये वाली एंट्री जो है वो भी हमारी यहाँ पे पास हो गई। तो ये सारा कुछ जो है, जो शेयर्स की मूवमेंट है, वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट जो है वो कर ली है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, अब जो नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजेक्शन का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना आया था 78 का, तो हम यहाँ पे 78 का प्रॉफिट जो है वो लिख लेंगे। फिर इसने हमें कहा है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस है, बताया था ये सरप्लस होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस। कितने का है? 12 का, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से आ जाएगा? 12 से आ जाएगा, लिख लिया। फिर इसने कहा है कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ये हम हर साल रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो अभी होती है। अब वो कितनी है? 1.5, तो 1.5 मिलियन से रिटेन अर्निंग जो है हमारी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ से 1.5 मिलियन से हम इसको कम कर देंगे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम इसे क्लोज करते हैं, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आना चाहिए, बैलेंस
ऑन 31 दिसंबर, तो अब इसको हम कर लेते हैं क्लोज। तो 220, 220 और 55, 275 बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया जी 275। प्रीमियम हमारे पास 11 का था, तो हमारे पास यहाँ पे शेयर प्रीमियम आ गया 11 का। अब इसके ऊपर मूवमेंट करते हैं, कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं, देखते हैं क्या है और किस तरह नहीं है। हमारा ओपनिंग था 45 का, इसमें 36 हमने लेस किए, फिर हमने 20 लेस किए, फिर हमने इसमें 78 ऐड किए, फिर हमने इसमें 1.5 ऐड किए, तो 68.5 जो है वो आ गया इसका क्लोजिंग बैलेंस। फिर सरप्लस 12 का था और 1.5 निकाल दिया, तो 10.5 आ गया इसका बैलेंस। और तो हमारे पास कुछ नहीं है, अब इसको हम ज़रा जमा कर लेते हैं, तो मेरे पास टोटल मिल जाएगा 275 प्लस 11 प्लस 68.5 प्लस 10.5, तो 365 जो है वो इसका टोटल इधर बन रहा हो। टोटल वाला कॉलम जो है आप उसको यहाँ पे लेके चल सकते हैं। यहाँ पे टोटल हमारा आ जाएगा ओपनिंग का 245, यहाँ पे टोटल आ जाएगा -36, यहाँ पे 20-20 ख़त्म हो गया, यहाँ 55 और 11 66 का आ गया, यहाँ 78 का आ गया, यहाँ पे टोटल हमारे पास 12 का आ गया, ये वो इधर गया, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। तो ये अगर आप इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अगर मेजर भी करते हैं, तो इस तरह से ये हमारा होना चाहिए था। तो दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से रिलेट कर रहा था। इज दैट क्लियर?